सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि छोटी सी हाँ और छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच्ची बात पक्की बात, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय के लिए रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह पूरी जिंदगी भर रोएगा। आज का पंचांग 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, सुबह 10:17 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 2:19 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:35 से 5:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रात्रि 2:49 तक रहेगी, मेष राशि पर संचार करेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर प्रवेश करेंगी। 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, इस समय अपने दोस्तों के साथ किसी भी झगड़े में ना पड़े। सभी शायद तनाव से गुजर रहे हैं, जिनके कारण तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसी कुछ परिस्थितियां भी हो सकती हैं जो आपको बहस करने पर मजबूर कर दे, लेकिन आप शांत ही बने रहें। इस समय कोई भी बहस आपके रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकती है और यह आपकी सेहत पर भी बुरा असर डालेगी। अक्सर आपकी जीत आपको अपने से दूर कर देती है। अपनों के साथ प्यार और खुले मन से पेश आए। आज आप जो भी बोलेंगे सोच समझ कर ही बोलेंगे, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। आज कुछ गलतियां पैदा हो सकती है, इसीलिए सावधान ही रहें। अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें और साथ ही दूसरे व्यक्ति की बात को भी ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से आसानी से किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकेंगी। आज पुरानी विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपना रहे हैं। आज कुछ अलग ना सोचें, इसका प्रभाव औरों पर अच्छा नहीं पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले ये मूल्यांकन दोबारा कर लें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीजें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। बच्चे का किसी मनपसंद स्कूल में एडमिशन हो जाने से राहत मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों के बीच बांट लेने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में भी और अधिक निखार आएगा। मन का संयम और शांति दोनों बनाए रखने के लिए आपको योगाभ्यास और ध्यान करने की आवश्यकता होगी। अधिक से अधिक वर्तमान की बातों की तरफ ध्यान दें, इस वजह से मन में बढ़ रही चिंता कम होगी। साथ ही काम की तरफ आप योग्य प्रकार से ध्यान दे पाएंगे। खुद के काम और पैसों की प्रगति के प्रति नाराजगी होने के कारण आपको कम उत्साह महसूस होगा। पार्टनर की सलाह और सहयोग द्वारा आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपचय से संबंधित भी तकलीफ हो सकती है। महिला अधिकारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। यदि आपके अधिकारी महिला है तो आपको उससे शाबाशी मिल सकती है। नर्वस सिस्टम संबंधी समस्या से राहत मिल सकती है। जनसंपर्क अधिकारियों को उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। शिक्षक की नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को अनुकूलता रह सकती है। परिजनों के साथ आनंद की अनुभूति होगी। सावधानियां, पैसे संबंधित उधारी का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात आपकी मानहानि का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि दूसरे की
बातों पर ना आए और अपनी विवेक और कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंधों में रुचि बिल्कुल भी ना लें और अपने परिवार पर ही ध्यान दें। निजी जीवन में पार्टनरशिप में काम करने की योग्यता आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है। आप और आपके पार्टनर मिलजुल कर जो भी काम करेंगे, चाहे वह प्यार हो या बिजनेस, आपको खूब प्रशंसा मिलेगी। आप दोनों को एक दूसरे की खूबियों और कमियों की बहुत अच्छी समझ है और आपकी आपस में खूब बनती है। हमेशा ऐसे ही बने रहें। अगर संभव हो तो प्रेम दिखाने के लिए वह अलग तरीके का प्रयोग करें। एक छोटी किताब लिखकर प्रेमी के पास भेजने से बहुत फायदा होगा। यह आपके साथी का मन बेहतर करेगा और आपके संबंध में मजा भी भर देगा। अच्छा, आपके प्रेम संबंधों में मुश्किल आ सकती है क्योंकि आपका साथी कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा सकता है, मगर चिंतित ना हो। दूरी आपके संबंध को और मजबूत बनाएगी व आप समझेंगे कि आप एक दूसरे को कितना चाहते हैं। आप साथी की कमी महसूस करेंगी व फिर मिलने पर आपके संबंध में नई उत्तेजना व नई प्रेम भरी शुरुआत होगी। बात करते हैं करियर की। चीजें आपके अनुसार कार्य नहीं कर रही है जैसे कि आपने योजना बनाई थी, लेकिन आपको इस कारण से आक्रामक नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे आपके सारे प्रयास बर्बाद हो सकते हैं। कार्य में प्रगति के लिए आपको पैसों की आवश्यकता होगी, लेकिन ये इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। आपसे कम प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके पक्ष आ सकता है जिसके पास काफी ताकत होगी, लेकिन समय की मांग है कि इस व्यक्ति के साथ विवाद में ना उलझें, जो कि आपके समय के हर्षोत्तम हित में होगा। आज आपको इस समय नए कार्यों की योजना बनानी चाहिए। इस समय स्थितियां आपके अनुकूल हैं। प्रयासों में सफलता का प्रबल योग है। हालांकि नौकरी पेशा जातकों के लिए आज के दिन की दिनचर्या व्यस्त दिनों में गिनी जाएगी। नए कारोबार में संलग्न जातकों को आज पूर्व में की गई किसी गलती को लेकर मन में ग्लानि होगी, लेकिन सुधार करने की जगह दोबारा वही गलती करने पर किसी से अनबन के साथ शत्रुता में वृद्धि भी हो सकती है, ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। पिछले दिनों में तनाव के साथ साथ चिंता के कारण होने वाली मानसिक तनाव आपके लिए काफी तकलीफ का कारण बना हुआ है। इस समय आपकी बाहरी स्थितियों के बदलने की तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, तब भी आप अपने मानसिक तनाव में काफी कमी पाएंगी। यह कमी आपके अपने विचाराधार और अपने जॉब तथा संबंधों में समस्याएं सुलझाने के तरीके को बदलने से आई है। इससे आपको शांति और उपलब्धि की भावना महसूस करने में काफी मदद मिलेगी। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।